हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप iOS की तरह स्टोरी कैसे लगा सकते हो, वो भी बॉल टाइमर के साथ बिना किसी GIF के यूज़ किए। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे बॉल टाइमर चल रहा है एंड यहां पे कुछ यूज़र नेम टाइप का भी आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके की स्टोरी आप कैसे लगा सकते हो एंड आप राउंडेज मैंशन कैसे कर सकते हो, वो भी सेम इंस्टाग्राम पे विदाउट PNG। एंड यहां पे आप ये देख सकते हो कि आप हिडन मैंशन भी देख सकते हो, iOS इमोजीज भी देख सकते हो, 60 सेकंड का आप रील डायरेक्ट स्टोरी में लगा सकते हो एंड iOS इमोजी भी आपका वर्क करेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर इस वीडियो का एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। एंड डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कैसे करना है उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो एस्पोर टेक यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको ID लॉगिन कर लेना है आपको इंस्टाग्राम ऑन करके। ID लॉगिन करने के बाद आप मेरा भी ब्रश को फॉलो करो, जो कि यहाँ पे मैं ब्रश से मार्क कर रहा हूँ। एंड आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप सिंपली एक बार प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे, देन नाउ आपको ऊपर एक 3 डॉट दिखेगा, आपको सिंपली इस 3 डॉट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा की इंस्टा सेटिंग्स। तो आपको सिंपली इस की इंस्टा सेटिंग पे जाना है। जैसे आप की इंस्टा सेटिंग पे आ जाओगे, देन आपको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे जितने सारे आपको सेटिंग्स दिख रहे हैं, इन सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से इसको इनेबल कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो अगर मेरे को यहाँ पे डोंट क्रॉप स्टोरी लगाना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। रिमूव ब्लैक बॉर्डर इन स्टोरी, तो आप यहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी है, तो आप फोटो क्वालिटी इंप्रूव अपने हिसाब से इसको इनेबल कर लेना। ये सेटिंग्स आपके ऊपर होती है, इसमें मैं आपको कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ। स्पेशल फीचर्स में आप जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे लाइक पोस्ट फीड से आपका रिमूव हो जाएगा इसको ऑन करोगे तो, सजेशन आने बंद हो जाएंगे अगर आप इसको इनेबल करोगे तो। यहाँ पे रिमूव सीन पोस्ट, अगर आपने एक बार जिस पोस्ट को देख लिया वो पोस्ट आपको दोबारा शो नहीं होगा। एंड इसी तरीके से इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सी अलग अलग सेटिंग्स हैं, तो इसको आप एंड तक वॉच करना एंड एक एक सेटिंग्स को आप बिल्कुल पढ़ के और अपने हिसाब से इनेबल कर लेना। एंड यहाँ पे 60 सेकंड स्टोरीज इनेबल करने के लिए आपको फीडन स्टोरी में आना है, देन आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे इंक्रीज स्टोरीज वीडियो टाइम टू 50 सेकंड टू 60 सेकंड, तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट वीडियो डायरेक्टली विद साउंड, आप इसको इनेबल कर सकते हो। एंड डिसेबल स्टोरीज ऑटो स्किप, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। देन आपको यहाँ पे चैट स्क्रीन वगैरह का बैकग्राउंड कलर चैट का चेंज कर सकते हो, अपना फोटो वगैरह लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसा यूज़ करना चाहते हो। फिर आपको सिंपली इधर होम बटन पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है डेवलपर सेटिंग्स के लिए, जिससे आप हिडन मेंशन iOS की तरह रील वगैरह यूज़ कर सकते हो। एंड बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, बोल्ड टाइमर, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन इधर देखने को मिलेगा मॉडिफाई क्विक एक्सपेरिमेंट सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है। देन नाउ आपको यहाँ पे सर्च करना है क्लिप्स ब्रांडिंग, जिससे कि हमारा टाइमर इनेबल होगा। अभी मैं आपको बोल्ड करना भी बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लिप्स ब्रांडिंग देख के बोलेंगे कि फिर से वही बता रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे मैं बोल्ड करना भी बताऊंगा। तो आपको इन सब को इनेबल कर देना है, यहाँ पे सब आपका डिसेबल होगा एंड सही से टाइप करना, तभी आपका कमांड आएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारा यहाँ पे मेंशन। जैसे आप इधर मेंशन सर्च करोगे, आपके सबसे ऊपर यहाँ पे एक शो होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिसेबल है, मेरा भी डिसेबल है, आपका भी डिसेबल होगा, इसको आपको इनेबल कर देना है, जिससे आपका मेंशन भी राउंडेज में होने लगे। एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कमांड है, वो है इंट्रे। यहाँ पे आप कमांड देख लो सही से, जैसे आप इंट्रे सर्च करोगे, आपके सामने एक यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा 3rd नंबर पे, आपको इसको इनेबल कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कमांड है स्टूडियो नोट्स, जिससे कि आपका नोट्स वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आपका आ जाए। जैसे आप स्टूडियो नोट सर्च करोगे, आपके सामने ये चार ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन को इनेबल कर देना है, जिससे कि आपका नोट्स वाला फीचर प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाए, इसमें आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएगा। और आपको हिडन मेंशन देखने के लिए आपको सेम उसी जगह सर्च करना है ऑल मेंशन। जैसे आप इधर ऑल मेंशन सर्च करोगे, आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इन 3 ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे आपका काम हो गया खत्म। एंड अब आपको एक बार जैसे आप सारे कमांड्स को इनेबल कर दो, इसको आपको रीस्टार्ट करना है। जैसे आप इसको रीस्टार्ट करके ऑन करोगे, आपके सारे कमांड्स इनेबल हो चुके होंगे। एंड आपको यहाँ से मैं स्टोरी वगैरह रील वगैरह लगा के दिखा देता हूँ एंड बॉल टाइमर भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं मेंशन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन चेक करने के लिए ऐड टू योर स्टोरी पे क्लिक करता हूँ एंड विदाउट कुछ एनी PNG वगैरह का आप इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा राउंडेज में वर्किंग है कि नहीं। सॉरी, कलर यहाँ पे दूसरा मैंने चेंज कर दिया। एंड आप नाउ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा राउंडेज काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड दिस ईयर मेंशन हमारा वर्किंग है। अब मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ कि आप यहाँ पे स्टोरी में बोल्ड फॉन्ट लगाए कि नहीं। तो उसके लिए अगर देखो आपको बोल्ड फॉन्ट यूज़ करना है
तो आपको कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन में थीम होना ज़रूरी है। अगर आपका Xiaomi Poco का फ़ोन है तो आप थीम का यूज़ कर सकते हो, अगर आपका Xiaomi Poco का फ़ोन नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। अब देखो मैं आपको रील एक बार चेक करवाता हूँ, तो हम एक यहाँ से रील लेते हैं एंड उसी रील को ऐड टू योर स्टोरी पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि रील हमारे यहाँ पे लगने के लिए रेडी है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि बोल्ड टाइमर नहीं आया है, बट यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करना एंड यहाँ से ऐड करना एंड ऐसा मैं PNG आपको बहुत सारा दे रखा हूँ, तो आप कोई सा भी जो भी आपको PNG अच्छा लगा उस PNG को आपको एक बार ऐसा सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको जूम करना है एंड इसको अपने हिसाब से इसको ऐसे टाइमर के साथ में एंड नीचे वाला जो यहाँ पे सॉन्ग नेम आ रहा है उसको हाइड करके इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। जैसे आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दो देना, आप देख सकते हो कि लग रहा है कि आपने आईफोन से लगाया है एंड आईफोन में इस तरीके का स्टोरी नहीं लगता है क्योंकि बैकग्राउंड उसका सिर्फ एक कलर आता है, बट आपने कुछ इस तरीके का शेप दे रखा है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं बात करता हूँ कि आप बोल्ड टाइमर कैसे यूज़ कर सकते हो, तो बोल्ड टाइमर के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फ़ोन के थीम में चले जाना है। जैसे आप अपने फ़ोन के थीम्स में आ जाते हो, देन नाउ आपके सामने एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा बोल्ड यहाँ पे फॉन्ट्स का। यहाँ पे जैसे आपको फॉन्ट्स दिखे, फॉन्ट्स पे क्लिक कर दो, देन नाउ आपको ऊपर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च पे आपको सर्च करना है iOS बोल्ड। जैसे आप सर्च करोगे iOS बोल्ड, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा सबसे एक यहाँ पे iOS बोल्ड फॉन्ट का, आपको इसको इनेबल कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से आप इसको अप्लाई करते हो, देन नाउ आपका यहाँ पे टाइमर भी बोल्ड फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने अप्लाई सक्सेसफुल हो गया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई सक्सेसफुल होने के बाद अब मैं उसी इंस्टाग्राम को ऑन करता हूँ, देन नाउ आपको स्टोरी लगा के दिखाता हूँ कि आप iOS बोल्ड फोन में यहाँ पे आपका स्टोरी लग रहा है या नहीं। ऐड टू योर स्टोरी पे मैंने क्लिक किया, देन नाउ आप इसका टाइमर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा टाइमर iOS बोल्ड फोन में हो चुका है। iOS स्टोरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने फ़ोन के फिर से थीम वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे आप थीम वाले ऑप्शन पर आ जाओ, आपके यहाँ पर सर्च करना है iOS एंड सेम सर्च करना है 60। जैसे आप iOS 60 सर्च करोगे आपके सामने इधर तीन इमोजीज देखने को मिलेगा, आपको कोई सा भी यूज़ कर लेना है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा iOS U14 इमोजी वाला, इसको आप सेलेक्ट करना। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर देना एंड आपका यहाँ पे आपके पूरे फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा। आप इस इमोजी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने नोट्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं पे भी आप iOS इमोजी को यूज़। थीम से iOS 60 इमोजी अप्लाई करने के बाद अब मैं आपको इमोजी चेक करवा देता हूँ। तो इमोजी चेक करवाने के लिए यहाँ से मैं कोई सा भी यहाँ पे इमोजी वगैरह ले लेता हूँ, देन आप देख सकते हो कि सारे फोन्स में ये इमोजी iOS की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के वीडियो आगे फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।